हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं प्रदीप और आज लेकर के आए हैं एनलैब्स X5 एम्पलीफायर लेकर के, जो कि 5000 वाट का एम्पलीफायर होता है। और इसका क्या स्पेसिफिकेशन होगा और इसका क्या प्राइस होगा, आगे हम इसका फुल डिटेल्स में आपको बताएंगे इस एम्पलीफायर का, और कितना वाट का आप इसमें बेस चला सकता है यह एम्पलीफायर, और कितना वाट का आप इसमें टॉप चला सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आप देख सकते हैं इस का आगे का लुक, और इधर सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा इसमें एनलैब्स कंपनी का ब्रांडिंग किया हुआ है X5 नीचे की ओर, और इसमें चैनल 1 चैनल 2 के लिए 2 वॉल्यूम देखने के लिए मिलेगा, और ऑन ऑफ स्विच दिया गया है बीच में, जो कि काफ़ी हैवी पावर का दिया गया है फ्रेंड्स। और इधर आप देख सकते हैं इस एम्पलीफायर में चैनल 1 चैनल 2 के लिए क्लिप प्रोटेक्शन और पावर का इसमें इंडिकेटर्स दिया गया है, और इधर एयर पास होने के लिए जालीदार होल्स दिया गया है, जो कि अच्छे से एयर पास हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, आपको पीछे का लुक दिखा देते हैं। और इधर देख सकते हैं इस एम्पलीफायर का बॉडी के ऊपर में एनलैब्स का ब्रांडिंग किया हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा, और इधर आपको इनपुट सेक्शन में देख सकते हैं XLR का मेल फीमेल का दोनों ही दिया गया है सिस्टम। और इधर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आउटपुट सेक्शन में स्पोकन और टर्मिनल के द्वारा आप इसे कनेक्शन करके आप इसे चला सकते हैं, और इधर कुछ सेटिंग दिया गया है, आप अपना सेटिंग के अनुसार आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं इस एम्पलीफायर में। और इधर आप एक देख सकते हैं पावर केबल दिया गया है, और पीछे में देख सकते हैं इसमें फ़ैन दिया गया है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आपको इसका स्पेसिफिकेशन आपको दिखा देते हैं कितना आउटपुट निकाल के देता है। अब मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, और इसका आउटपुट देख सकते हैं फ्रेंड्स 8 ओम्स में 1300 वाट पर चैनल आपको निकाल के देगा यह एम्पलीफायर, और 4 ओम्स में 2000 वाट पर चैनल आपको निकाल के देगा, और इधर आप 2 ओम्स में देख सकते हैं 2500 वाट पर चैनल आपको निकाल के देगा फ्रेंड्स। और ब्रिज मोड में आपको देखने के लिए मिलेगा 8 ओम्स में 3500 वाट और 4 ओम्स में 5000 वाट निकाल के देगा फ्रेंड्स। और फ्रिक्वेंसी आप देख सकते हैं, और इसका डंपिंग फैक्टर है 1000 फ्रेंड्स देख सकते हैं, और सेंसिटिविटी यहाँ दिया गया है। और चलिए फ्रेंड्स, आप किस प्रकार से कितना वाट का आप इसमें बेस चला सकते हैं, तो सबसे पहले एक चैनल में एक बेस 1200 से 1300 वाट का करके आप इसमें 8 ओम्स में चला सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा पंच और वाइब्रेशन देखने के लिए मिलेगा इस एम्पलीफायर में। और चलिए फ्रेंड्स, आपको इसमें 4 ओम्स में आप इसमें चलाना चाहते हैं 4 बेस, तो किस प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं और कितना वाट का आप इसमें स्पीकर चला सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम ग्राफिक के जरिए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, और इसमें 1000 वाट करके आप इसमें 2 बेस चला सकते हैं एक चैनल में, और 2 बेस एक चैनल में चला सकते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, अगर इसमें 2 टॉप चलाना चाहते हैं तो एक टॉप देख सकते हैं 800 से 1000 वाट का आप इसमें एक स्पीकर डाल सकते हैं, और टोटल 2000 वाट पर चैनल आपको देखने के लिए मिलेगा इस एम्पलीफायर में। और 2 ओम्स में रन कराना चाहते हैं यह एम्पलीफायर को 2 टॉप 1 चैनल में, और 2 टॉप 1 चैनल में 500 से 600 वाट का आप इसमें स्पीकर डाल के आप इसे रन करा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस देखने के लिए मिलेगा यह एम्पलीफायर में। और यह वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, नमस्कार।